नारायण में महू, तो अभी आज मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुआ था, वो वहाँ जाति से संबंध रखते थे। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानना चाहें, 1915 में एमए इकोनॉमिक्स किया, 1916 में पीएचडी किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, 1921 में मास्टर ऑफ साइंस किया, उसके बाद 1923 में डॉक्टरेट ऑफ साइंस बने। और वो एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट के प्रोफेसर रहे, बाद में एडवोकेट रहे। उसके बाद उन्होंने ये सब सर्विस छोड़ के सामाजिक कार्य में लग गए, और समाज के विकास के लिए, हर तबके के विकास के लिए, महिला के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए हो रहे सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने, उन्होंने लड़कर उन न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमेशा जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन सबको मालूम है संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। जब हमारी सरकार, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे। अपना पूरा जीवन बहुजनों को उनका अधिकार दिलाने में उन्होंने लगा दिया। अपने जीवन को देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा, वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, नहीं तो वो आज हम लोगों को जो दशा, जिस तरह से हमें प्रदर्शन और अत्याचार सहन करने, अत्याचार को मिटाने के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ रही है, वो शायद हमें नहीं करनी पड़ती। लेकिन दुर्भाग्यवश बाबा साहब ज़्यादा जीवित नहीं रहे। बाबा साहब का ये कहना था, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। किसी साहब ने कहा था कि हमें अच्छा बड़ा जीवन होने की बजाय छोटा जीवन, लेकिन अच्छा महान जीवन होना चाहिए, समाज के काम आना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अगले वक्ता को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे बीच में अशोक कुमार आनंद जी कहीं दिखाई दे रहे हैं। अशोक कुमार आनंद जी जाटो पद्धति सिंह सर के ये मेन हमारे पिलर हैं। शुरू में हम लोग 4-6 लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि 10-15 साल से कोई संस्था शकरपुर लक्ष्मीपुर में नहीं थी, पहले होती थी कभी मुक्ति संग्राम संघ, तो हम 10 लोगों ने इकट्ठा करके लोगों को जोड़ना शुरू किया। 10 लोगों से कारोबार बढ़ता चला गया, आज करीब 80 फैमिली हमारे इस संगठन के साथ जुड़ी हुई है। अशोक कुमार आनंद जी जो इनकम टैक्स में एक ऑफिसर हैं, मैं उनको आमंत्रित करूँगा, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें। वो JPSS में वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री अशोक कुमार आनंद जी। सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, बुद्ध भगवान के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित कार्यकारिणी सदस्य JPSS और आए हुए सभी साथियों का, और ख़ास करके महिलाओं साथियों का जो आज इतनी संख्या में उपलब्ध हैं, मैं एक छोटी सी गुजारिश उनसे करूंगा कि अपने बच्चों को लेकर बाबा साहब के चरणों में फूल अर्पित कराएं, ताकि उन बच्चों में बाबा साहब के प्रति एक प्रेरणा और एक जानकारी उनको मिले। मैं सभी महिलाओं से एक अनुरोध कर रहा हूं कि बच्चों को लेके वो बाबा साहब को फूल अर्पित कराएं। हमारे बीच में बहुत ही सोशल सामाजिक श्री जगदीश प्रसाद जी कुंडली से आए हैं, जो ट्रांसपोर्ट में एक ऑफिसर हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें श्री जगदीश प्रसाद जी। साथियों, मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, और श्री राजकुमार जी ने जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोगों को ज्ञान अर्जित कराया, तो उस ज्ञान को मेरी सभी से एक गुजारिश है कि हम अपने बच्चों के साथ में भी, घर पे भी हम शेयर करें। आज जो हम यहाँ जुड़े हुए हैं, तो हमने जो अपने पूर्वजों से ज्ञान अर्जित किया बाबा साहेब के बारे में, ये उसी की देन है कि हम इस जाटव प्रगतिशील संघ को यहाँ बना पाए और उसको सफलतापूर्वक 3 सालों से उसको चला रहे हैं, उसका आयोजन कर रहे हैं। उसके लिए मैं सर्वप्रथम श्री राजकुमार जी और श्री अशोक कुमार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनके प्रयासों से एक संगठन समाज को जोड़ने का काम जो कर रहा है। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, जब हमने इस संस्था को बनाया तो उद्देश्य केवल यही था कि समाज जो हमारा बिछड़ा हुआ है, एक दूसरे से हम परिचित नहीं है, जो हमारे पूर्वजों ने मुक्ति संग्राम संघ के तत्वाधान में समाज को जोड़ा हुआ था, वो कहीं बिखर गया, टूट गया, और कुछ साथियों की मदद से हम दोबारा से उसको पुनर्जीवित कर सके, और आज उसी के तत्वाधान में हम यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 127वां जन्मदिवस मना रहे हैं। ये उन्हीं का प्रयास है,
साथियों, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आज समाज में हम अपने बच्चों को अंधविश्वास से जितना बचा सकें, जो आज की पीढ़ी देख रही है वो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हम लोगों के बीच में है। अगर हम परिवार के बीच में बच्चों को बैठा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के त्याग और उनकी तपस्या और जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया उसके बारे में समय समय पर चर्चा करते रहें, तो मैं समझता हूँ कि समाज में आने वाली नई पीढ़ी उससे बहुत फायदा होगा, समाज को भी और परिवार को भी और उन बच्चों को भी। साथियों, जैसा कि आपको विदित होगा कि 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश सभी राज्यों से वहाँ आए हुए थे और एक छोटी सी जो उपस्थिति लोगों ने दर्ज कराई। तो साथियों, यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप अपने घरों से अपने अधिकारों के लिए बाहर नहीं आएंगे, आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि परिवर्तन जो है वो क्रांति मांगता है, खून मांगता है। तो हमें अपने बच्चों को उसके लिए तैयार रखना, अपने आप को भी तैयार रखना है। अगर आप डर के जिएंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का मैं समझता हूँ ये अपमान होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमें वो चीज़ें दी कि जिनके बल पे आज हम यहाँ इकट्ठा हो सके और अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कह सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। हमारे बीच में मईगढ़ फेजबंद से हमारे दोस्त हमारे साथी श्री हरि सिंह जी आए हैं और ये BSNL में ऑफिसर है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा बाबा साहब के चरणों में सदा समर्पित करें। श्री हरि सिंह जी, जैसा कि हमारे साथी अशोक कुमार आनंद जी ने बताया, साथियों हम लोग अपने स्वार्थ के लिए संगठन को नहीं बनाया, संगठन की मेंबरशिप के लिए हम लोग 1000-2000 रुपये नहीं मांगे किसी से, सिर्फ 500-600 रुपये से कोई भी सदस्य 600 रुपये देकर हमारी संस्था का सदस्य बन सकता है। उसके बाद हमने किसी से पैसे नहीं मांगे, हम लोग वॉलंटरली जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कार्यक्रम करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उनका डाटा हमारे पास आ जाएगा, जो भी संस्था का प्रोग्राम होगा उनका मोबाइल नंबर हमारे पास आ जाएगा, हम उन तक पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी सदस्य जो मेम्बर नहीं है उनका भी स्वागत करते हैं, लेकिन प्रार्थना करता हूँ कि वो अगर सदस्य बन जाए तो अच्छा होगा। अगर लगता है कि 600 रुपये ज़्यादा है, हम अगली मीटिंग में चर्चा करके कोशिश करेंगे तो उसको फिर एडजस्ट किया जाए, पर हम समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, एक संगठन में एक धारा के अंदर जोड़ के रखना चाहते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे बीच में डिक्के के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री चंदन जी मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तथा समाज के बारे में 2 शब्द कहें। श्री चंदन जी, आज हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर साहब का 127वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो जन्मदिन की शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिक्की से हूँ, डिक्की के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, इनका एक स्लोगन है कि आप नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने वाले नहीं। और हमने प्रयास किया पूरे इंडिया में, इंडिया में एक ऐसा संगठन बनाए जिससे आने वाली पीढ़ी गर्व करे, जैसे आज हम जाटव समाज के लोग अगर हम देखें तो हमारे बीच में एक गुरु, एक ट्रेडर, एक बिजनेसमैन रविदास जी का नाम सुना होगा। रविदास जी जाटव समाज के वो स्तंभ हैं जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि आदमी रोजगार करते हुए भी अच्छा महापुरुष बन सकता है। वो अच्छे लीडर रहे और जब ब्राह्मणों के साथ उनका वार्ता आदान प्रदान हुआ और वो विजय रहे। अगर हम ऐसे लोग आज भी इस समाज में, बहुत सारे लोग अगर आप देखें उदाहरण के तौर पर,
अगर हम जाटा समाज को देखें तो आज भी टिक्की में जो हम लोग जुड़े हैं उसमें 80% लोग जाटा समाज से आते हैं। तो ये संघर्ष करना और अपना काम को छोड़ना इन्होंने से ही सीखना चाहिए। आज SC ST वर्ग के लोगों में अगर हम देखें तो बाकी सारे समाज के लोग कहीं ना कहीं अपने काम से जुड़े हैं, लेकिन जाटा समाज ने किसी ने 50 साल पहले, किसी 20 साल पहले, किसी 2 साल पहले अपने काम को छोड़कर दूसरा काम अपनाया। और आज एजुकेशन के बेस पे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं दूसरों को गलत या सही साबित नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी SC ST के MP MLA रहे हैं उनकी स्थिति क्या है वो हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति, उनके पार्टी में उनकी स्थिति क्या है। आपने सुना होगा अभी 1 महीने पहले एक MP साहब योगी CMG साहब से मिलने गए, तो उन्हें क्या उनकी स्थिति रही होगी। मैं सिर्फ यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 20 साल के बाद रिजर्वेशन तो खत्म होना है और हो जाएगा। हम संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन अपने परिवार में से कम एक बच्चे को बिजनेसमैन जरूर बनाए, कोशिश करें। मेरे घर में भी कोई बिजनेसमैन नहीं था, मेरे डैडी सर्विस करते थे, मैंने सोचा कि मैं बिजनेस करूँगा ये, लेकिन बिजनेस का विचार एकदम पैदा नहीं होता। मैं डिप्लोमा कर रहा था, मेरे साथ के सारे जितने भी लोग थे सब अपर कास्ट के लोग थे, हमारे जो मोहल्ला कहते हैं राजस्व पार्क में जो सबसे ऊंचा पर का घर था वो एक जाट का था। उनकी वाइफ मतलब मेरे दोस्त की मम्मी पापा बड़े बना रही थी, तो उन्होंने बोला कि निक ने मेरा नंदू बोलते थे कि नंदू तेरी तो नौकरी लग जाएगी, तेरा तो डिप्लोमा हो गया, हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि इनका तो कोई रिजर्वेशन है। तो मैंने कहा आंटी आज के बाद मैं किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट के लिए वैकेंसी के लिए कोई फॉर्म नहीं भरूंगा। और मैंने वो जिद किया और मैं प्राइवेट जॉब में चला गया। जॉब में मैंने बहुत छोटे लेवल से जॉब किया, ये सर्विस इंजीनियर, मैंने 800 रुपये में 92 में ज्वाइन किया, 2000 में 1 लाख सैलरी लेता था। उसके बाद आज मैं उस कंपनी का ऑनर हूँ और मैं उस कंपनी को चला रहा हूँ। ये नहीं कि मैं एक उदाहरण हूँ, मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं टिक्की में जो जिस कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया उससे बड़ी कंपनी बनाई। आज अगर हम देखें बादल में अगर ग्रोवर साहब हैं, जिस कंपनी में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया, आज उस कंपनी को फाइट कर रहे हैं। और उस कंपनी के जो 8 टेंडर हैं, मतलब अगर हम बिजनेस वाइज देखें तो जिस कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया और SS ग्रोवर का टर्नओवर उस कंपनी से चार गुना है, तो वो हमारे समाज के लोग अच्छी तरह सिद्ध करना जानते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अपने लोगों में दम है और दम को बाहर निकालें। और जो लोग भी यहाँ पर हैं, जैसा कि अम्बेडकर साहब की मैंने बहुत सारी बातें सुनी और लोगों के दिल में भी हैं कि अम्बेडकर साहब बहुत महान थे, उन्होंने बहुत सारे विचार हम लोगों को दिए, उसमें एक विचार ये भी दिया कि हम लोग जितनी इनकम करते हैं उसका 10% अपने समाज पे खर्च करें। मुझे नहीं लगता कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो 10% कितने लोग खर्च करते होंगे, लेकिन मैं तो करता हूँ। मैंने जितने लोग मेरे कहीं भी लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी इनकम इतनी साल में होती है, उतना बहुत सारे संगठनों को मैं उसका 10% दान देता हूँ। ऐसे ही मैं तो अगर यहाँ पर सब लोग हैं सिर्फ अपने आप, मैं ये नहीं करता किसी को आप अपनी इनकम के बारे में बताएं कि आपकी इनकम कितनी है, अपने आप अंदर से विचार करें कि हम लोग क्या 5% अपनी सैलरी या अपना बिजनेस का प्रॉफिट हम दूसरे लोगों को दें। वो दूसरे लोग वो संस्था हो सकती है, वो आपका गरीब परिवार में कोई सदस्य हो सकता है, वो आपका कोई गाँव वाला भी हो सकता है। ये नहीं कि संगठन को दे रहे किसी को भी, इसको आप रखें कि हाँ मैं अगर इसको कुछ दूँ तो ये सर
कल को बड़ा बनेगा या मैं अपना काम चला सकता है, उसको जरूर दें और कोशिश करें कि जितना भी हम लोग कमाते हैं उसकी इनकम का 20% अपने लोगों में बिना ब्याज के बांटें, जिससे कि उस पैसे का ब्याज ना दें, ऐसे किसी को दे दें 2 साल के लिए 3 साल के लिए, तो अपने समाज में जो लोग हैं कुछ आगे बढ़ के अच्छा काम कर पाएंगे। आज मैं साहब ने बोला कि 2 साल पहले साहब बीएस लेंगे और समाज में काम करेंगे, तो मैं तो कहूँगा कि आप 2 साल पहले बीएस ना लें और 2 साल की जो इनकम है वो समाज में समर्पित कर दें, और यही बहुत बार आपका योगदान होगा समाज के लिए। क्योंकि तो पैसा एक ऐसा चीज है, जब हम लोग स्टेज पे आते हैं और पैसा कमाते हैं तो जो आपके अपोजिशन वाले लोग हैं, अपर कास्ट दूसरे लोग, वो भी आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पैसा कमाएं, ज़्यादा पैसा कमाएं, अपने आप पे खर्च करें, अपने दोस्तों पे खर्च करें, अपने समाज पे खर्च करें, हमारे समाज के संगठन पे खर्च करें, नौ बताए चले। बहुत अच्छी बातें चंद्र जी ने बताई। बाबा साहब का एक मिशन था पे बैक टू द सोसाइटी, तो जो बातें उन्होंने कही मुझे याद आ गया, पे बैक टू द सोसाइटी। अब समाज के लिए 10% देने की बात कर रहे हैं सब, कम से कम 1% भी दे रहे हैं तो भी हमारे समाज का विकास हो जाएगा। लेकिन लोग यहाँ तो 1% का 0% का, अगर हम कहीं इकट्ठा होने की बात करें तो इकट्ठा भी नहीं होते, तो ये बड़े दुख की बात है। हमें इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में नागपुर से आए हैं श्री सोमेंद्र दहार जी। श्री सोमेंद्र दहार जी वो कम से कम समय अपनी बात करें, क्योंकि वक्ता काफ़ी हैं और बाबा साहब के बारे में अगर वो